हाय फोक्स, इज जेनिफर हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, आज का जो एपिसोड है वो है कंटिन्यूटी हमारी लास्ट एपिसोड की, जहां पर मैं आपको दिखा रही थी कि हम बीच पर या फिर आइलैंड्स पे किस तरीके की ज्वेलरी पहन सकते हैं फोटोशूट्स के लिए। यस, फोटोशूट्स हमारी आजकल की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है हर चीज की हमारी फोटो होती है, खाने की, पीने की, सोने की, भागने की, जाने की, हर चीज की जो होती है हमारी मेमरीज होती है, भरी जा रही है। हमारे जो डेटा है वो भरा जा रहा है और हमारे फोन में जो है GB भरी जा रही है, बड़ी बड़ी होती जा रही है। प्लस हम लोग कार्ड भी यूज कर रहे हैं, स्टोरेज डेटा भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे फोटोग्राफ्स की वजह से। यस, फोटोग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो है बचपन से ही, पता नहीं। एनीवेज, तो मैं आज जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है शेल ईयर पीसेस, या जो है पर्ल्स ईयर पीसेस, जो कि आप पहन सकते हो बीच फोटोशूट्स पे। यस, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था पर्ल्स और जो है शेल्स के नेक पीसेस, जो आप पहन सकते हो फोटोशूट को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बनाने के लिए। आज का जो एपिसोड है वो है कानों के ऊपर, जो हम एक्सप्लोर भी करेंगे साथ में और देखेंगे कि भाई कितने सारे जो है हमारे कान की चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं बीच पर या कहीं पर, इस तरीके के नेचुरल जब हम फोटोशूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दिखने में ही ऐसे बोल्ड दिखते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सुंदर दिखते हैं। आज जो मैंने पहन रखा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा फ्लोरल सा टॉप है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें पेंटिंग टाइप की फ्लावर्स बने हुए हैं, पिंक, येलो, व्हाटएवर। और यहाँ पर जो स्कर्ट मैंने पहन रखा है वो सिल्की टाइप का स्कर्ट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, टर्किश स्कर्ट है ये, मैंने ये टर्की से लिया था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है और बहुत शाइनी टाइप, क्योंकि टॉप जो है वो मैट फिनिशिंग में है तो मैंने सोचा स्कर्ट थोड़ा सा शाइनी हो। आपको तो पता है हमारे चैनल में हम सब फ्यूजन करते हैं, चेक करते रहते हैं कि कौन सा कहाँ पर क्या है। ओके, हाथ में जो मैंने पहना है वो इस तरह की ऑक्सीडाइज रिंग है। लास्ट टाइम मैंने अफगानी पहनी थी, उससे लास्ट टाइम मैंने हैंडमेड पहनी, तो इस बार मैंने सोचा कि इस तरीके का पहन लेते हैं। और हाथों में भी मैंने पर्ल्स का स्पाइरल बैंगल पहना हुआ है मल्टी कलर में, इस तरीके की आप यूज कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। उसके बाद मैंने कान में जो पहना है अफ्रीकन बीड ज्वेलरी की पहनी हुई है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो ये भी कितना अच्छा लगता है यार, मतलब आप कुछ भी पहनो बड़ा अच्छा लगेगा। पैरों में जो है लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे सिंपल चप्पल्स आप पहन सकते हो, क्योंकि अगर आपको पानी में जाना है और आपको वहां पर शूट करना है तो आप बहुत ही कलरफुल टाइप की, बहुत ही फंकी टाइप की ट्रेंडिंग चप्पलें बहुत ज्यादा आ रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे शूज एपिसोड आएंगे कि आप बीच पे कौन कौन से शूज पहन के जा सकते हो, चप्पल्स पहन के जा सकते हो, किस तरीके की आप सिर्फ फोटो शूट के दौरान पहन सकते हो, अंदर पानी में नहीं है। उसी में से आज मैं आपको एक लेकर आई हूँ दिखाने के लिए, ये है मेरी पंजाबी जुत्ती। यस, ये हम आज ट्राई करेंगे फोटोशूट के लिए, क्योंकि मैं देखिए अभी तो मैं घर पे शूट कर रही हूँ, मैं बीच पे तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन बीच पे अगर आपको शूट करना तो इसको पानी में पहन के मत जाइएगा, सिर्फ शूट के लिए आप यूज कर सकते हैं बीच के ऊपर, बड़े ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल ओरिजिनल ग्लास कलेक्शन में। ये सारा आप कलेक्शन देखोगे मेरे आने वाले एपिसोड में, जो कि शू कलेक्शन एपिसोड, पूरा का पूरा आप देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ शूज और चप्पल्स और कोल्हापुरी चप्पल्स और वेजेस और बहुत सारे बूट्स, ये सब चीज आप देखोगे, बड़ा ही खूबसूरत। चलिए पहनते हैं और देखते कैसा लग रहा है इस पे। बीच पे तो आप बहुत रिलैक्स होकर चलना चाहोगे, कभी भी आप उस तरीके के मतलब हाई हील्स पहन के तो नहीं चलोगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत सारी रेत होती है, तो ये बड़े ही कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो, आई थिंक इसको दिखाई दे रहा हो, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो है मैंने हाफ टकिंग किया हुआ है इस काइंड ऑफ लूज लूज टी शर्ट को, लेकिन गर्मी में ये बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही बहुत ही ईजी गोइंग है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। मैं जो आज आपको दिखाने वाली हूँ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर पीसेस दिखाने वाली, जो आप यूज कर सकते हैं बीच पे फोटोशूट्स पे। सबसे पहले हमारी जो बहुत ही ज्यादा फेमस इस तरीके के जो बहुत ही ब्यूटीफुल जो हमारे बहुत ही कॉमन फेमस हमारे शेल के जो है ईयर लूप्स, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट जो अगेन हमारे बड़े ही कॉमन से जो है, ये आपको सिंगल डबल दोनों में मिल जाएंगे, इस काइंड ऑफ ईयर पीसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, मोतियों वाले। इसको आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट कलर्स भी, तो इस तरीके के हैं ये, बहुत सिंगल लेयर भी आपको मिल सकता है, डबल लेयर भी मिल सकता है, ट्रिपल लेयर भी मिल सकता है, आप जैसे चाहो। देन जो है इस तरीके के भी आपको मिलेंगे, जो कि बड़े ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लगते हैं। आजकल बड़े बड़े मोती बड़े ही ट्रेंडिंग में है,
बड़ा ही अच्छा लगता है इसको पहनने के बाद। तो इस तरीके के भी आप फोटोशूट्स में बहुत यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये मेरा न्यू एड ऑन है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये वाले, ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। ये वाले भी आप यूज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा फोटोशूट में इसका मजा आएगा। ये हैंगिंग भी है नीचे, आप देख सकते हो पर्ल हैंगिंग, और ऊपर जो है सर्कुलर को इन्होंने इसको और ज्यादा ट्रेंडिंग बना दिया। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको छोटे छोटे से पहनने हैं तो आप थोड़े से उसमें स्टाइल ऐड करके इस तरह के ईयर पीस पहन सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, कलरफुल लगता है। इस टॉप पे जहां पर आपको कलर्स है तो आप इस तरह से कलर्स ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पीस है, अगेन अगर आप वहां पर थोड़े पार्टी मूड में हो, शाम को आपको बीच पे आपका पार्टी है, या फिर रिसॉर्ट में जहां पर आप रह रहे हो वहां पर कोई पार्टी है और वहां पर भी बीच व्यू भी है, तो आप इस तरीके के भी ईयर पीसेस पहन सकते हो, जो कि आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये आप पहन सकते हो अपने कफ्तान्स पे, किमोनोज पे, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे ये, देखो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पीस जो मैं आपको बताऊंगी वो है, आप छोटे छोटे पहनना चाहते हो इस तरीके से पहन सकते हो, और इसमें आप बहुत सारी चीजें यार इसमें मतलब आप इस तरीके के पहन सकते हो। ये बहुत ज्यादा फन फिल्ड टाइप ऑफ ईयर रिंग है जिसमें नीचे शेल्स लगे हुए हैं और यू नो ऐसे हैंग करेंगे तो ये बहुत अच्छे फोटोशूट में लगते हैं। और जो है अगेन इस तरीके के आप सनफ्लावर का ये भी पहन सकते हो नेक पीस। नेक्स्ट जो है सिंगल इस तरीके के आप पेंडेंट पहन सकते हो, या फिर आप कान में इस तरीके से पहन सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगेन नेक्स्ट जो हम पर्ल्स की बातें करते हैं, सिंगल सिंगल ईयर पीसेस आजकल बहुत ज्यादा पर्ल पीसेस बहुत ज्यादा फेमस है। इस तरीके के थोड़ा सा आप उसमें जो है वैरायटी ला सकते हो इस तरीके का। नेक्स्ट जो अगेन है पर्ल्स, मुझे बहुत पसंद है और पहले मुझे इतने पर्ल पसंद नहीं थे, लेकिन जब इनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा ना, इस तरीके के आप पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट वेराइटीज मिल जाएंगी, और जो पर्ल्स है तो शीन में आप जब पता है आपको शीन तो भाई बैन हो चुके हैं इंडिया में, लेकिन मैंने जब शीन का जो एंडिंग एंडिंग टाइम था ना, तब क्योंकि मैं इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्ट नहीं करती थी, मतलब मैं शूट वूट पे यूज कर लेती थी, लेकिन ज्यादातर गोल्ड या सिल्वर या यू नो सिल्वर भी मुझे इतना पसंद नहीं था, बट अब मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। तो लास्ट बार जब शीन बंद होने वाला था तब मैंने एक्सप्लोर किए थे उनके कुछ ब्यूटीफुल से पीसेस, तो इस तरीके के पीसेस थे, हम बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, मतलब ऊपर से पहनो और यू नो नीचे इस तरह से डबल मोतियों वाला आता है। नेक्स्ट जो है अगेन इस तरीके के पीसेस आपको मिलेंगे जहां पर ट्रिपल मोती पहन सकते हो आप फोटोशूट में, ये बहुत आता है। सिंगल मोती पहन सकते हो क्योंकि लंबा, और आजकल ट्रेंड है बहुत ज्यादा लंबे लंबे पहननी थी, मुझे बहुत पसंद है, आई लव लॉन्ग पीसेस। तो ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत पीस है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। ये देखिए इस तरीके के शोल्डर डस्टर्स जो होते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो आपके शोल्डर तक आते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, ब्यूटीफुल पीस लगते हैं, और पहनने के बाद भी इसका बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। नेक्स्ट पीस है अगेन, इसमें अगर आप मतलब किसी किसी को छोटे छोटे बड़े बड़े नहीं भी पसंद है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, इस तरीके से आप पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है, देखिए मुझे इतना पसंद था ना, मैंने दो तो तीन तीन सेट्स ले लिया, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मेरे पास देखिए और एक सेट है। ओके नेक्स्ट, उसी में आप चाहे तो डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स के ले सकते हैं। इस तरीके के मोतियों में भी आते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ शेप में आते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, ट्रेंडी लगते हैं, अगर आप ज्यादा बड़े बड़े यूज नहीं करना चाहते हो। अगेन छोटे छोटे में आपको मिलेंगे इस तरीके से, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं छोटे छोटे। ये सारे मोतियों के मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप जब मोतियों की शॉपिंग करने के लिए, या मोतियों का नेक पीस लेने के लिए, या हेयर पीस, या फिर आप इस तरीके के ईयर पीस लेने जाओगे, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे वो एक्सप्लोर करने के लिए। आप डिमांड कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यू नो फोटो खिंचवा सकते हो और खुद खरीद सकते हो, और फिर या फिर गिफ्ट भी दे सकते हो। इस तरीके के छोटे छोटे भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ये मैं उनके लिए दिखा रही हूँ जिन्हें बहुत हैवी हैवी बोल्ड पहनने का शौक नहीं है, वो भी बीच पे अगर फोटोशूट कराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करा सकते बिकॉज दे डोंट लाइक बोल्ड ज्वेलरीज। बोल्ड ज्वेलरीज के अलावा भी आप छोटे में इस तरीके के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है बीच के जो है नेचुरल चीजें यूज करा के, यहाँ वहाँ के जो वेंडर्स होते हैं या जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, वो इस तरीके के आपको काफी प्रोवाइड कर लेंगे, आप वहीं पर उनसे बार्गेन करके लेके शूट कर सकते हो। आगे जब हम थोड़ी स्टाइलिंग की बात करते हैं तो आजकल जो है ऑनलाइन पे भी काफी अच्छी अच्छी वैरायटीज मिल रही है आपको इस तरह की, फैशन ज्वेलरीज में भी आप प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो जहां पर आपको मिलेंगे इस तरीके से मोती लगे हुए। नेक्स्ट जो है अगेन आपको और ब्यूटीफुल अगर आप लुक चाहते हो, थोड़ा ट्रेडिशनल लुक लगे, जैसे इसमें महाराष्ट्रियन लुक है, तो आप देखिए इस तरीके से महाराष्ट्रियन ज्वेलरीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा मोती लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
नेक्स्ट जो है अगर हम बात कर रहे हैं फैशन ज्वेलरीज की अगेन, तो फैशन ज्वेलरीज में मैं आपको पूरी अलग ये कैटेगरी वाइज नहीं दिखा रही हूँ, जो मेरे हाथ में आता है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ फैशन ज्वेलरीज में इस तरह की ज्वेलरीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि शेल से बने होते हैं, मदर शेल से बना होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल। और जो ब्यूटी आपको जो है शेल्स में इस तरह की भी मिलेगी, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारे फोटोशूट के लिए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसको आप ज़्यादा देर पहन के रख सकते हो तो टूट भी सकते हैं। फैशन ज्वेलरीज तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की हो तो काफ़ी टिकती है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं हो तो ये टूट फूट जाती है। तो इस वो सिर्फ फोटोशूट के दौरान ही पहनना अच्छा होता है। ये देखिए इस तरीके के आप डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के ईयर पीसेज ले सकते हो अपने बीच फोटोशूट के दौरान। अगर आप थोड़ा सा और फंकी लुक में चाहते हो इस तरीके की आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फैशन ज्वेलरीज में आपको बहुत सारी ज्वेलरीज मिल जाएंगी जो कि छोटे छोटे जो है सैंड पर्ल्स मिलते हैं इस तरीके के बीट पर्ल्स में, इस तरीके ये आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। और चाहे आप इसमें थोड़ा बोल्ड कलर भी ले सकते हो, मतलब बोल्ड वेराइटी में भी। ये देखिए ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये वाला ईयर पीस बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ये देखिए कितना ज़्यादा एकदम ही जो आपका जो नॉर्मल लुक है एकदम ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग जाता है, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं इसको पहन ही लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, तो फिर ट्राई करने में क्या है ना, तो इसको इजीली इसके जो हुक्स होते हैं आप देखिए बहुत इजी होते हैं, इस तरीके के हुक्स होते हैं, आप फटाफट इसको पहन के इस तरह से लॉक कर सकते हो, ये निकलने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, गिरने के भी कम चांसेस होते हैं। तो बीच पे जो है अगर आपको थोड़ा सा मस्ती करते हुए वीडियो निकालना है फोटो निकालने हैं तो भी जो है आप इसको इस तरीके से पहन सकते हो, बहुत इजी टू वेयर, इजी टू रिमूव है, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल भी हल्के फुल्के ईयरिंग्स है। तो आप इस तरीके के ईयरिंग्स जरूर से अपने ज्वेलरी कलेक्शन में लीजिए ताकि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर दीजिए। कितना जल्दी से चेंज हो गया इसका लुक, और जो है सेकंड में भी पहन लेते हैं, अदरवाइज सेकंड जो इस तरीके से बुरा सा लगेगा है। ऐसे तो आजकल फैशन है, आप एक कान में दूसरा भी पहन के जा सकते हो, एक कान में दूसरा, बड़े ही जल्दी ऐसा फैशन आने वाला है, मैं ऑलरेडी आपको बता देती हूँ, ताकि फिर चप्पल्स भी ऐसी आएंगी, आप एक कान में अलग पहन रहे हो, सॉरी एक पैर में अलग पहन रहे हो। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा, बहुत ही आपका पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है आपका जो है आप बहुत ज़्यादा फोटो फ्रेंडली हो जाते हो, बहुत अच्छा सा लगता है। चलिए नेक्स्ट जो मैं दिखाऊंगी इसी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो थोड़े और हल्के फुल्के जो है स्टाइल के इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ये भी बड़ा मज़ा आता है पहनते समय। ओके नेक्स्ट जो है अगेन आप अगर चाहते हो थोड़ा सा अगर पार्टी लुक देना चाहते हो, अगर आप किसी पार्टी में पार्टी लुक देना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो इस काइंड ऑफ पार्टी ज्वेलरीज जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट बिलीव मी आपका पूरा का पूरा जो लुक है वो चेंज हो जाएगा और आपका जो पूरा शो है आप शो स्टॉपर हो जाओगे, रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। और सारे के सारे लोग आपको पूछेंगे आपने कहाँ से लिए इतने ज़्यादा खूबसूरत। वायरिंग की जब हम बात करते हैं वायरिंग में मैं आपको और भी दिखाऊंगी, लेकिन ये आप फैशन ज्वेलरी में भी इस तरीके से बीच की पार्टीज में यूज़ कर सकते हो, इसमें अगर आपने थोड़ा गोल्ड यूज़ किया हुआ अपने आउटफिट में तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी आप इस तरीके से ले सकते हो, इट लुक्स नाइस। नेक्स्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगी अगर आप थोड़ा फंकी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पर कॉकटेल पार्टीज है, गर्ल्स नाइट आउट है या इस तरीके से, तो इस तरीके के भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। ओके नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े से और आप बोल्डर लुक में जाओगे या वायरिंग में जाओगे तो जो मैंने पहन रखा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि फिर बोलेंगे आपने वो दिखाया नहीं जो आपने पहन रखा था। ये देखिए ये इस तरीके के बीट्स के पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आपने तो देखा है मैंने पहना हुआ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। नेक्स्ट जो है पीस अगेन पार्टी पीसेस की हम जब बात करें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो इस तरीके की। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत ही फैशनेबल, बहुत ही न्यू टाइप ऑफ थिंग है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप जैजी टाइप पहनते हो। नेक्स्ट जो लुक है अगेन पार्टी में आप इस तरीके के बहुत ही सिंपल और सोबर काइंड ऑफ लुक भी यूज़ कर सकते हो, स्टड्स टाइप, लेकिन बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है इसका, पान टाइप, बहुत अच्छा लगता है ये लीफ टाइप। ओके नेक्स्ट पीस जो है अगेन मैं आपको दिखाऊंगी
वो अगेन फैशन को देखकर या फिर आप पार्टी को देखकर आप यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन डिजाइन है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ हुआ ये ईयरपीस है। बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है ये, और ये बहुत हर यूट्यूबर के पास ये वाला है, और यूट्यूबर नहीं भी है तो भी ये बहुत लोगों के पास है, ये बहुत ज्यादा कॉमन अब हो गया है। नेक्स्ट जो है, अगर आपको दिखाऊंगी, आप यूज कर सकते हो इस काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज सिल्वर में भी, छोटू सा पर्ल है, देखिए इसमें 2-3 काइंड ऑफ वेराइटीज आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है थोड़ा अगर हम बोल्डर लुक की तरफ जाए, अब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े से बोल्डर ज्वेलरीज जो आप पहन सकते हो। एक तो एक यू नो लाइफ ऑफ ट्री आप पहन सकते हो, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब्रॉड में मैंने जितने फोटोशूट्स किए थे उसमें मैंने बहुत लड़कियों को देखा था ये पहनते हुए, बहुत जो इटालियन लड़कियां होती है वो इस तरीके से यू नो पहनती हैं, जिसमें बहुत सारे सेमी स्टोन्स के जो है लगाए होते, देखिए आप एमिनेस्ट ये वो सब कोरल वोरल सब है। ये लाइफ ऑफ ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्री के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सेमी स्टोन्स लगे हैं, अपने जिंदगी के जो है उतार चढ़ाव दुख सुख को दिखाता है ये लाइफ ऑफ ट्री, इसीलिए इसको इस तरह, और ये काफी लकी माना जाता है अगर आपके घर में होता है तो। एनी वेज, बहुत सारी मैं आपको ज्ञान देती रहती हूँ। जहां पर मैं आपको गोल्ड ज्वेलरीज की बात कर रही हूँ तो आपको मैं गोल्ड ज्वेलरीज दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं जो गोल्ड ज्वेलरी दिखाना चाहूंगी वो आजकल जो आ रही है वो इस काइंड ऑफ कलरफुल ज्वेलरीज आ रही है, जो कि है इस काइंड ऑफ स्टोन के ऊपर। आप देखोगे ये स्टोन काफी हैवी होते हैं और ये काफी बोल्ड लुक देता है, लेकिन जो है काफी हैवी होते हैं, तो वैसे फोटोशूट के लिए ही इसको यूज करने का रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसमें जो काफी कलर्स मिल जाएंगे आपको, काफी वेराइटीज मिल जाएंगे, लेकिन ये काफी हैवी होते हैं कान के ऊपर। नेक्स्ट जो है बोल्ड लुक में आप यूज कर सकते हो इस काइंड ऑफ हैंडमेड जो है यू नो ईयरिंग, जिसपे इस तरह के शेल लगे होते हैं। अगर इसका पूरा एपिसोड देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड मेरा देखिए, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी ईयरिंग्स जो कि आप फोटोशूट में यूज कर सको, हैंडमेड ईयरिंग्स, जिसमें इस तरीके के जो बहुत सारे पीसेज होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछेंगे हैंडमेड ईयरिंग्स आपने दिखाए नहीं, जो कि हम बीच फोटोशूट पे यूज कर सकते हैं या नेचुरल फोटोशूट पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बोल्ड मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है अगेन बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस तरीके का ये वाला ईयर पीस। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है ये वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मल्टी कलर में है। अगर आपने मेरे जैसा ऐसा टॉप पहन रखा है, बहुत ही कोजी कोजी हो आप, बहुत ही यू नो नाइसली आपको फोटोशूट कराना, तो इस काइंड ऑफ जो ईयरिंग होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं फोटोशूट में, बहुत ज्यादा अच्छा लुक लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ओके, नेक्स्ट जो है बोल्ड लुक में अगर आपको दिखाना चाहूंगी तो इस तरीके के आप बड़े बड़े जो है हैंडमेड इस तरह के ईयरिंग्स यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग लुक आता है इसका और बहुत ज्यादा खूबसूरत। नेक्स्ट गोल्ड पीस जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है इस तरीके के झुमके। आप सोचोगे बीच पे कौन झुमके पहनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड पूरा चेंज हो चुके हैं, और अगर आप पहन सकते हो बहुत तरीके के बहुत ही ब्यूटीफुल से झुमके भी, लेकिन उसमें सिर्फ यही फर्क होना चाहिए, आपको उसमें थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जो जहाँ पर आप शूट कर रहे हो वहाँ का एलिमेंट, जैसे कि अगर आप बीच पे हो तो मोतियाँ या फिर जो है उसके शंख या कुछ कुछ ऐसे, तो इस तरीके का एग्जाम्पल ये वाला है, इस तरीके का है, इस तरीके के झुमके आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अगर आप झुमका फैन हो, अगर झुमका यूज करना चाहते हो तो इस तरीके की झुमके आप जरूर यूज कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये देखिए अमेजिंग लुक देता है। ये भी आप बीच के फोटोशूट पे यूज कर सकते हो, समथिंग डिफरेंट। हर चीज को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और जो है समथिंग डिफरेंट अगर आप ट्रेंड लाते हो तो वही फैशन बन जाता है, तो उसी हिसाब से आप यूज कर सकते हो। बहुत ही डबल झुमका आप इस तरीके से आप पहन सकते हो, बहुत ज्यादा खूब लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। एनी वेज, जहां पर हम बात कर रहे हैं और भी बोल्ड लुक की, तो हम थोड़े से पार्टी बोल्ड लुक्स दिखा देती हूँ आपको मैं। इस तरीके के आप लुक्स पहन सकते हो, ये इतना ज्यादा बोल्ड नहीं है बट आप कैरी कर सकते हो उसको। नेक्स्ट जो लुक है इस तरीके का लुक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आपकी बीच पे पार्टी है, फोटोशूट कराना है, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हो, क्रिस्टल डायमंड्स या एनी काइंड ऑफ स्टोन्स, कलर स्टोन्स के लिए। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा बोल्ड लुक दिखा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक है ये। ये देखिए इतना ज्यादा खूबसूरत, अमेजिंग पार्टी है बीच पे, गो फॉर दिस लुक। अगर आपने सिल्वरी कलर का ड्रेस पहना हुआ है या गोल्ड पहना हुआ है, ऑपोजिट आपको पहनना है कॉन्ट्रास्ट में, तो इस तरीके से पहनिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इवन आपने अगर व्हाइट पहना हुआ है तो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही अमेजिंग पीस है ये, सिलेंड्रिकल पीस। आप देखिए इसका कितना अच्छा सा यू नो नाइस सा इसका फील है, बहुत ब्यूटीफुल है, हल्के फुल्के होते हैं बट बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ। ये एक दिन मैं जरूर पहनूंगी किसी वीडियो में।
नेक्स्ट गोल्ड पीस जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो भी बहुत अमेजिंग पीस है, उसको आपने काफी मेरे वीडियोस में देखा होगा, जो है सबसे ब्यूटीफुल पीस ये वाला पीस। मैंने जैसे कि आपको कहा ईयर पीस जो है बड़े वाले बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में, तो इस तरीके के ईयर पीस में आप जरूर से इन्वेस्ट कीजिए, और खासकर बीच शूट पे तो ये बड़ा ही अच्छा दिखेगा, बड़ा ही ब्यूटीफुल। इस एपिसोड का जो लास्ट आई थिंक लास्ट जो है बोल्डेस्ट ऑफ इन जितने मैंने दिखाए उसमें आज के लिए, वो है ये वाला, जिसमें आप हैंडमेड किसी भी चीज पे कोई भी शेल लगा के, या घर पे डीवा है आपके पास ऐसे पड़ा हो इयररिंग और आपको वहां उसमें बीच में जाकर शूट करना और आपके पास नहीं, तो आप भी घर पे कुछ भी अगर मोतियां वोतियां पड़े हुए कुछ ऐसा पड़ा है, तो आप उसको एक्सपेंसिव ना लेके इस तरीके के आप डीवाई करके बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरीके के आप शेल्स लगा सकते हो या मोती लगा सकते हो उसके ऊपर। अगर आप ये ऑनलाइन पे लेते हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप घर में बनाओगे तो आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे, लेकिन दिखने में भी ये देखिए कितना ज्यादा बोल्ड खूबसूरत और फोटोशूट में फर्स्ट क्लास लगेगा। ये देखिए इस तरह के एक दो पीस आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन में जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी वैरायटीज मिले, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज मिले। और मेरा तो मकसद ही है कि मैं आपको दिखाऊं कि आपका जो है कितनी वैरायटीज आपको मिल सकती है वीडियो शूट के दौरान या फोटोशूट के दौरान इस तरीके से, तो ये मेरा काम ही है काम मैंने ले लिया है, वैसे मेरा काम नहीं था ये। एनीवेज तो आई होप आपको ये एपिसोड बहुत ही मजेदार लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडमेड ज्वेलरीज या हैंडमेड ईयर पीसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि आप पहन सकते हो बीच पे या आइलैंड पे या कोई भी नेचुरल जगह आप फोटोशूट कर रहे हो वहां पर ये सारे पीसेस पे आप पहन सकते हो, ये सारे पीसेस पहन सकते हो और बहुत ही ट्रेंडी और खूबसूरत दिख सकते हैं। आपके फोटोज जो की जा सकते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे या फिर आपके खुद के फोन में या आप सर्कुलेट कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पे भी। तो दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, दिस इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनीवेज, दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, सी यू सून, लव सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सी यू सून, कम बैक अगेन ऑन माय नेक्स्ट एपिसोड, सी यू, बाय। हाय, आप इयररिंग्स पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट इयररिंग्स भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। उनमें से मैं कुछ आपको दिखाऊंगी जो कि आप यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये फोटोशूट पे। इस तरीके के ब्लैक एंड व्हाइट इयररिंग्स जो है आप यूज कर सकते हो, या थोड़ा पार्टी टाइप के इयररिंग्स आप यूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इस कारण जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, तो सिर्फ आपको एक यू नो एक आइडिया के लिए मैं दिखा रही हूँ। इस टाइप ऑफ जो इयररिंग्स आप यूज करते हो ब्लैक एंड व्हाइट, वो फोटोशूट में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए इस काइंड ऑफ जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक आता है, इसमें आपको काफी वैरायटीज मिलेंगी और काफी आपको लुक्स मिलेंगे इस तरीके से, झुमकों में भी मिलेंगे और इस तरीके से भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा आपको इसमें वैरायटी होगी। और ये देखिए फुल ब्लैक कलर में भी मिलेगा इस तरीके का, और इस तरीके के इयररिंग्स भी आप यूज कर सकते हो जो ब्लैक एंड व्हाइट यू नो आउटफिट पे बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल इयररिंग्स जो है आप यूज कर सकते हो इस तरीके के, बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए, कूल टाइप ऑफ इयररिंग्स हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इयररिंग्स जो है आजकल बहुत ज्यादा इन है और हम बहुत तरीके से इन्हें यूज कर सकते हो, थोड़ा पार्टी टाइप भी, आप शिमरी काइंड ऑफ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो है ये देखिए इस तरीके के भी ब्लैक एंड व्हाइट आप यूज कीजिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये सारे। तो इयररिंग्स में आप इस तरीके के भी इयररिंग्स यूज कर सकते हो और अपने जो है आउटफिट को बहुत ही ग्लैमराइज कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुली आप इनको जो है यू नो एडॉन कर सकते हो, और फोटो शूट में ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो प्रेफर कीजिए आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रेफर कर सकते, बहुत लोगों को जो है ब्लैक कलर पसंद आता है हर चीज़ में, तो ब्लैक कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, तिब्बतन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत सारे स्टार काइंड ऑफ होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है स्टार्स। ओके, आई होप ये वाला भी आप इस तरीके से झुमके वाले भी ट्राई कर सकते हो, अमेजिंग लुक देता है आपके व्हाइट पे या ब्लैक पे या यू नो डिफरेंट मल्टी कलर पे भी, अगर आप ब्लैक वाला पहनते हो तो भी थोड़ा बहुत मतलब पहन सकते हो, क्योंकि आपने कुछ मल्टी कलर पहना हुआ है तो आप ये वाला जो है ब्लैक थोड़ा सा सेटल रखने के लिए पहन सकते हो इयररिंग में। तो दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड, डू लाइक लव
एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय, सी यू.